नमस्कार, खबरगांव शहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 का दूसरा चरण शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दूसरे चरण में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ग्रामीणों ने भारी मतदान कर यह बता दिया कि लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट आस्था है। राज्य के 25 जिलों की 74 ग्राम पंचायत समितियों के 2333 ग्राम पंचायतों के चुनावों में 82.78% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले में हुआ। हनुमानगढ़ जिले में 93.52% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम मतदान जालौर जिले में हुआ। राजस्थान के उदयपुर शहर के समीप ऋषभ देव कस्बे के सोमावत गांव में पंचायत चुनाव परिणाम जारी होने के बाद बुधवार को बवाल हो गया। यहां कृष्णा कुमारी के विजयी होने के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और एक पोलिंग बस और पुलिस जीप में आग लगा दी। राजस्थान के कोटा में नवजात बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। डॉक्टर के अग्रवाल और समाज सेवी बी मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में नवजात बच्ची की मौत के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बुधवार को तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नायक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर देवीलाल जोशी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को जानकारी भी दी। नायक ने अस्पताल के लेबर रूम, प्रसव रूम, ऑपरेशन थिएटर सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ जिला चिकित्सा अधिकारी भंवरलाल शर्मा व उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, डॉक्टर सुनील जांदू साथ रहे। कोलाय थाने में 16 सितंबर 2019 को शुभम उर्फ शिवा द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बताया कि 11 सितंबर को अपनी गाड़ी में सेव हिमाचल प्रदेश से भरकर मुंबई के लिए रवाना हुआ था, जिसमें खलासी राजन नाम का व्यक्ति था। 3 अज्ञात व्यक्तियों ने बोलेरो गाड़ी में सांकला फाटा कोलायत के पास गाड़ी को रोकवाकर गाड़ी को लूट कर मेरे साथ मारपीट कर भाग गए। इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी तो पाया कि इस प्रकार की कोई लूट की वारदात नहीं हुई। केकड़ के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ में इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामबाबू शर्मा ने बताया कि विद्यालय में वीराराम चौधरी व बबूताराम जांगिड़ के निर्देशन में विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की तैयारियां करवाई जा रही है। विद्यार्थियों ने पीटी प्रदर्शन व परेड की तैयारियां जोरों पर चल रही है। परेड में कुल 12 ग्रुप भाग ले रहे हैं। जांगिड़ ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी छेल सिंह चौहान व विष्णाराम द्वारा करवाई जा रही है। सेडवा निकटवर्ती राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ में मंगलवार को समाज उपयोगी उत्पादक कार्य व समाज सेवा 5 दिवसीय शिविर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामबाबू शर्मा की अध्यक्षता में शुरू हुआ। शिविर प्रभारी गुलाब सिंह ने बताया कि शिविर में 4 दल बनाए गए हैं। मंगलवार को प्रथम पारी में स्वच्छता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चारों दलों ने अलग अलग स्थलों पर स्वच्छता का अंजाम दिया। द्वितीय पारी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सिरोही में ग्रीन वॉल इंडिया बनवाने हेतु जारी 5 करोड़ी हरित पग यात्रा का सिरोही में प्रवास हुआ। जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। 11 दिसंबर को पोरबंदर में ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का भूमि पूजन कर सिरोही में भी पद यात्रा के 42वें दिन पौधारोपण किया। ग्रीन मैन विजय बघेल ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या का दंश पूरा विश्व झेल रहा है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण से हो रहे प्राकृतिक असंतुलन के निदान के लिए व्यवहारिक योजनाओं का अभाव दिखाई दे रहा है। मौद्रान जिले में चल रहे मुखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जसवंतपुरा के अंतर्गत अवैध दुकान व क्लिनिक पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति से झोला छाप चिकित्सकों द्वारा इलाज करने की सूचना है। जगह जगह आधुनिक चिकित्सा पद्धति से झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के उपयोग में आने वाली दवाइयां उपकरण होने की संभावना है। इसको देखते हुए मौद्रान गांव में आज 2 दुकानों को सीज किया गया। भीलवाड़ा में होटल रॉयल अम्बेसी बसंत विहार भीलवाड़ा में जिले की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के गठन के लिए एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बैंक के कर्मचारी यूनियन एनसीबी AIBEA व अधिकारी यूनियन AIBOA के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।
इस बैठक में भीलवाड़ा जिले के बैंक के कर्मचारी व अधिकारी संगठनों के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के गठन के लिए चर्चा की गई। इसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के चुनाव करवाए गए। तो वहीं सर्वसहमति से अध्यक्ष पद के लिए जीवन राम संयोजक पद हेतु अजय कुमार गुप्ता व सह संयोजक पद हेतु संदीप खेतान को सह संयोजक पद के पर निर्वाचित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालातों को देखते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रदान कर देश की जीडीपी और रोजगार वृद्धि में बड़ा योगदान दे सकते हैं। गहलोत बुधवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में नाबार्ड की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस बार विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने का आसार दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार और विपक्ष दोनों ही सत्र को लेकर अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन विपक्ष सीए को लेकर पूरी तरह मुखर होने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सत्र बुलाने के नियमों की अनदेखी करते हुए 21 दिन पहले नोटिस देने की समय सीमा का भी पालन नहीं किया। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का सत्र 24 जनवरी से शुरू हो रहा है। आमतौर पर विधानसभा में प्रदेश की जनता के हित की बात होने के दावे होती हैं, लेकिन इस बार हंगामे के आसार पहले से ही दिख रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी। पाली के सोजत में पंचायत राज चुनावों के तहत सोजत क्षेत्र में गांव की सरकार का मुखिया चुनने के लिए बुधवार को निर्वाचन विभाग द्वारा 38 ग्राम पंचायतों में मतदान करवाया गया। अपने चैतों को पंच व सरपंच बनाने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी। सोजत क्षेत्र में लगभग 70% मतदान पर मतदाताओं ने चैते उम्मीदवारों को वोट दिया। मतदान के दौरान कई केंद्रों पर धीमी गति से मतदान होने तो कई केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में रोष रहा। वहीं जिन केंद्रों पर धीमी गति से मतदान हुआ वहां पर देर शाम तक बूथों पर कतारें लगी रही। देश में आजाद हुए लगभग 70 साल बीत गए हैं, लेकिन देश में कई जगह ऐसी भी है जहां छुआछूत जैसी परंपरा आज भी मौजूद है। मामला जोधपुर के बालेसर तहसील के उटामर गांव का है, जहां नाई की दुकान पर दलित जाति के बाल नहीं काटे जाते। दरअसल उटामर गांव के निवासी पूंजाराम मेघवाल अपने बड़े भाई ठाकराराम के साथ दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए 18 जनवरी को उटामर के गोपाल सेन की दुकान पर गए थे, जहां गोपाल ने बाल काटने से मना कर दिया। कारण पूछने पर बताया कि यहां बोम्बियों के बाल नहीं काटे जाते। फिलहाल गांव खबर शहर बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।